हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8, गुड मॉर्निंग. आई एम मलिक सर. आई एम गोइंग टू कंटिन्यू द लेशन रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस. राइट, तो इसमें मैंने आपको जो इस दौरान पुबर्टी या एडोलेसेंस के दौरान जो चेंजेस होते हैं बॉडी में उसके बारे में मैंने डिस्कस किया था. 3-4 आपको मैंने बताया था कि जो चेंजेस होते हैं इस दौरान. अब कुछ और चेंजेस के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, है ना. तो अब देखिए, 4 बताया था, 5 से देखिए. डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स, है ना. तो ये पुबर्टी जो पीरियड होता है इसमें जो चेंजेस होते हैं, द मेल सेक्स ऑर्गन्स लाइक टेस्टिस डेवलप्स कम्प्लीटली इन बॉयज. बॉयज में जो मेल सेक्स ऑर्गन है टेस्टिस, वो पूरा का पूरा डेवलप हो चुका होता है जितना उसको डेवलप होना चाहिए. और इसी दौरान वो क्या करते हैं, टेस्टिस स्टार्ट प्रोड्यूसिंग द मेल गैमेट, है ना, कॉल्ड स्पर्म्स. तो स्पर्म्स इसी दौरान जो होता है, इसी एज में जो चेंजेस होते हैं इसी दौरान स्पर्म्स का प्रोडक्शन शुरू होता है. और इसीलिए कहते हैं यही पीरियड होता है जहां पर एक बॉय जो होता है सेक्सुअल मैच्योरिटी गेन करता है. ठीक वैसे ही अपोजिट साइड, अपोजिट अगर देखें तो फीमेल सेक्स ऑर्गन्स लाइक ओवरीज है, ओविडक्ट्स है, यूट्रस है, इनलार्ज एंड डेवलप कम्प्लीटली इन गर्ल्स. ये सारी चीज़ का डेवलपमेंट कम्प्लीट होता है गर्ल्स में. और जैसे ये डेवलपमेंट कम्प्लीट होता है, एग्स जो होता है, एग्स बिगेन टू मैच्योर, एग्स मैच्योर होना शुरू होता है एंड ओवरीज स्टार्ट रिलीजिंग एग. और ओवरीज क्या करता है, एग को रिलीज करना स्टार्ट होता है. दैट मीन्स ड्यूरिंग दिस पीरियड फेमेल्स जो गर्ल, एक गर्ल चाइल्ड जो है वो सेक्सुअल मैच्योरिटी प्राप्त करता है ना. दे आर रेडी फॉर द पार्टिसिपेट इन रिप्रोडक्शन प्रोसेस. राइट, अब देखिए, अब छठा देखिए, रीचिंग मेंटल इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मैच्योरिटी. इस दौरान क्या होता है, ऑब्जर्व मेनी कॉग्निटिव इमोशनल एंड एटीट्यूडनल चेंजेस. इस दौरान उसका जो इमोशनल भावनात्मक या फिर जो उसका जो सोचने का ढंग है ये सब बदलता जाता है एडोलेसेंट वाले एज में. तो ये एक ऐसा टाइम है एडोलेसेंस व्हेन द ब्रेन एक्वायर्स द ग्रेटेस्ट कैपेसिटी फॉर लर्निंग. यही वो समय होता है जहाँ पर आपका जो ब्रेन है वो उसकी क्षमता इतनी, मतलब जो जितना होना चाहिए, ग्रेटेस्ट जो मैच्योरिटी वो गेन करता है ना, फॉर लर्निंग, लर्निंग के लिए, मतलब ये लर्निंग के लिए. और इसलिए ये एज जो है बच्चों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट एज होता है जहाँ पर ब्रेन उनका कम्प्लीटली डेवलप्ड होता है कुछ भी चीज़ सीखने के लिए. तो अच्छी बातें सीखेंगे तो अच्छी बात होंगी, बुरी बातें सीखते हैं लोग तो बुरी. इसलिए कहा जाता है ये जो एज है एडोलेसेंट का काफ़ी क्रिटिकल एज होता है बच्चों के लिए. इसमें बच्चे बनते भी हैं और बिगड़ते भी हैं. इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट टेक्स प्लेस एंड एडोलेसेंट्स जो स्पेंड कंसिडरेबल टाइमिंग ऑन थिंकिंग. तो एडोलेसेंट जो होते हैं अब अपना अधिकतर समय जो है वो सोचने में, अपने लिए प्लानिंग करने में, फ्यूचर के लिए, इन सब चीज़ों में लगाते हैं, है ना. तो ड्यूरिंग दिस एक्साइटिंग फेज, ये जो एक्साइटिंग फेज है एडोलेसेंट्स का, इसमें देखिए क्या सब होता है. स्टार्ट गिविंग मोर इम्पोर्टेंस टू देयर फ्रेंड्स एंड पीयर ग्रुप. इसमें वो अपने फ्रेंड्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना शुरू करते हैं, अपने जो पीयर ग्रुप है जो उसके काफ़ी क्लोज हैं जिनसे वो अपने सारी चीज़ को शेयर कर सकते हैं, उनके प्रति उनका, मतलब वो उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस महत्व देना शुरू करते हैं. ऑफन फील कन्फ्यूज, हालांकि वो मेंटल मैच्योरिटी एग्जाम जो कहीं सो नहीं आता है इसलिए वो अक्सर हाँ कन्फ्यूज होते हैं किसी भी चीज़ के ऊपर. उनको लगता है किसी ने समझा दिया कि ये चीज़ अच्छा है तो वो उसको मान लिया, फिर किसी ने समझा दिया वो गलत है तो उसको भी मान लिया. मतलब वो डिसीजन लेने में काफ़ी कन्फ्यूज होते हैं. ठीक है, हैव इमोशनल आउटबर्स्ट, वो इमोशनली काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट ये होते हैं, इमोशनली किसी से जल्दी अटैच होते हैं, किसी से टूट भी सकते हैं, फील सैड दुख भी महसूस कर सकते हैं, है ना, किसी भी कारण से. एंड हैव स्ट्रॉन्ग इमोशंस और मूड्स दैट चेंज क्विकली, और उनके इमोशंस और मूड्स होते हैं तुरंत में चेंज करते हैं. तुरंत में बहुत अच्छे रहेंगे, तुरंत में किसी बात पर उखड़ भी जाते हैं. तो वन में बिकम मोर सेंसिटिव और इजली लूज टेम्पर. और ये उम्र एक ऐसा है वो काफ़ी सेंसिटिव हो जाता है, किसी भी चीज़ के प्रति तुरंत अपना रिएक्शन दिखाने के लिए वो तत्पर होता है और जल्दी ही और बहुत जल्दी अपना टेम्पर जो है, अपना जो उसका जो पेशेंस है वो जल्दी लूज कर जाता है.
इसके लिए हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग अबाउट ऑल दी चेंजेस. ये सारे जो चेंजेस होते हैं इसके लिए जो हार्मोन्स का सेक्रेशन होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है ना. बेकिंग बिकम सेल्फ कॉन्शियस एंड स्टार्ट फीलिंग द नीड फॉर एक्सेप्टेंस एंड अंडरस्टैंडिंग. कहने का मतलब है बिकम सेल्फ कॉन्शियस, वो अपने बारे में ज्यादा सोचने लगता है, मतलब स्वार्थी होने लगता है, अपने बारे में ज्यादा अच्छा बुरा अपने बारे में ज्यादा सोचता है, दूसरों के प्रति ज्यादा टाइम नहीं होता, अपने लिए ज्यादा चिंतित रहता है, चाहे अपने स्वास्थ्य के बारे में हो, अपने लिविंग के बारे में हो, अपने फ्यूचर के बारे में हो, कपड़े पहनने के बारे में हो, बहुत सारी चीजों के बारे में. नीड फॉर एक्सेप्टेंस और फीलिंग द नीड फॉर एक्सेप्टेंस एंड अंडरस्टैंडिंग. देखिए सर्च फॉर ए यूनिक सोशल आइडेंटिटी फॉर देमसेल्फ. अब वो चाहता है कि उसका एक अपना आइडेंटिटी हो, अपना पहचान हो. अभी तक तो उसकी पहचान उसके माता पिता से होती है, लेकिन वो चाहता है कि उनको अब लोग समझे, उनको जाने, उनके नाम से, उनके व्यवहार से, है ना. तो वो सोशल आइडेंटिटी, सामाजिक पहचान के तलाश में रहता है. मे फील इनसिक्योर वाइल ट्राइंग टू एडजस्ट टू द चेंजेस इन द बॉडी एंड माइंड. जब ये सारे जो चेंजेस होते रहते हैं ना, है ना, तो वो अपने अंदर में एक इनसिक्योर का भावना, मतलब थोड़ा थोड़ा डरा रहता है कि वो जो कुछ कर रहा है वो सही है गलत है, जो एडजस्ट कर रहा है, जो चेंजेस हो रहा है, उसको ये मतलब आश्वस्त नहीं होता उसके प्रति, थोड़ा बहुत उसके दिमाग में कंफ्यूजन चलता रहता है. और यही वो पीरियड होता है गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अपोजिट सेक्स. यहाँ पर एक जो अपोजिट सेक्स है, मेल फीमेल की तरफ, फीमेल मेल की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, है ना. और ये इससे पहले वाले एज में नहीं होता है. एडोलोसेंट शुड लर्न टू कोप विद द स्ट्रेस कॉज बाय दी चेंजेस. एडोलोसेंट को चाहिए कि ये सारे जो चेंजेस हो रहे हैं, इसलिए मैंने आपको बताया कि चैप्टर जो है काफी इम्पोर्टेंट है, आप लोग की उम्र है, इस उम्र से गुजरने वाले हैं या गुजर रहे हैं, ये काफी इम्पोर्टेंट है ये चैप्टर, और ये चैप्टर में जो दिए गए कंटेंट्स है उनको अच्छे से समझना, है ना. तो एडोलोसेंट को चाहिए इस एज में टू कोप, अपने आप को एडजस्ट करें जो स्ट्रेस है उनके लिए, चेंजेस का जो चेंजेस हो रहे हैं जिनके कारण से उनके ऊपर स्ट्रेस हो रहा है, उसमें अपने आप को अच्छे से एडजस्ट करें. दे शुड नॉट लूज कॉन्फिडेंस. उनको अपने में विश्वास रखना चाहिए, कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना चाहिए, अपने पर फेथ करना चाहिए. और डेवलप एंजाइटी ओवर स्मॉल इश्यूज, और उनको छोटे से छोटे चीजों पर भी ध्यान देना चाहिए, उसके प्रति चिंता करनी चाहिए. दे मे टेक गाइडेंस फ्रॉम देयर पेरेंट्स. वो अपने पेरेंट्स से, इस उम्र में कंफ्यूज है तो पेरेंट्स सबसे बेहतर इंसान होते हैं जो बच्चों के लिए सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं, कोई दूसरा तीसरा नहीं भी सोचे, है ना, लेकिन पेरेंट्स दुनिया के सबसे बेहतर इंसान होते हैं जो सिर्फ आपके बेहतर के लिए सोच सकते हैं, है ना. एक बच्चे के लिए माँ बाप से बेहतर कोई तीसरा इंसान नहीं सोच सकता. एंड टीचर्स हु वुड बी वेरी हैप्पी टू हेल्प देम. और उनको अच्छा लगेगा कि आपको इन सब चीज़ों चेंजेज हो रहे हैं, इसमें आपके साथ वो कुछ बातें सिखाएं, कुछ अच्छी बातें बताएं, कैसे एडजस्ट करना है, क्या गलत है, क्या सही है. इसलिए ये एज जो है काफ़ी डेंजरस एज भी है, और काफ़ी ये जो जरूरी एज भी है जहाँ पर इतने सारे बदलाव होते हैं, है ना. अब देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, मल्टीपल चॉइस. द स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड मैच्योरिटी फ्रॉम अबाउट 11 ईयर्स टू 18 ईयर्स ऑफ द एज इज कॉल्ड एडोलोसेंस. ठीक है, सी हो गया आंसर. द एज एट विच ए बॉय ए गर्ल बिकम सेक्सुअली मैच्योर टू रिप्रोड्यूस इज कॉल्ड एडल्टहुड. ठीक है, या पुबर्टी कह लीजिए, पुबर्टी कह लीजिए, है ना. बोथ बॉयज एंड गर्ल्स रीच देयर मैक्सिमम हाइट एट द एज ऑफ 18 ईयर्स. और ड्यूरिंग पुबर्टी गर्ल्स हैव वॉइस एज कम्पेयर टू वेरी लो पिच्ड, है ना. सॉरी, लो पिच्ड नहीं, हाई पिच्ड होता है. गर्ल्स का जो साउंड होता है हाई पिच साउंड होता है. ठीक है, गर्ल्स का जो वॉइस होता है हाई पिच साउंड होता है. ठीक है, आज के लिए इतना ही. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.